देखो मैम, ये हमारे पास क्लाइंट है, तो मैम इन्होंने, मैं इनका फार्मूला बनाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इन्होंने इन्होंने पहले जो किया हुआ ना 4 से 5 किया हुआ है, तो अब इनकी डिमांड है कि हम 7 से 8 फॉरन। अच्छा, 4 से 5 इन्होंने कितनी दफा लगाया हुआ है? मैम इन्होंने 4 से 5 दफा बोला। तो अब इनकी डिमांड है कि ये हमारी बेस हो और ये हमारा हाईलाइट हो। तो मैम मैं सोच रही हूँ अगर हमने इन्हें ब्लीच दी तो इनके बाल डैमेज हो जाएंगे, तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। मैम मुझे आप गाइड करें। आपको गाइड करती हूँ बेसिकली। बिल्कुल सना, ये जो फॉर्मूला होगा ये थोड़ा डिफरेंट ही होगा। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट के बालों में मेटालिक कलर है और है भी 4 से 5, ठीक है। ये देखें, ये आप बेस चाह रही हैं और ये आप चाह रही हैं हाईलाइट्स, है ना? ऐसा ही है ना? दो चीजें हैं। नंबर वन, अगर तो कस्टमर थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, तो फिर हम इन्हें शिफ्ट करेंगे सबसे पहले कैरेटिन के ऊपर। और कैरेटिन क्या करेगी कि 2 से 3 दफा, अगर एक दफा भी करवा लें तो इनका जो मेटालिक पिगमेंट है इनसाइड द हेयर, ठीक है, वो 2 से 3 लेवल लिफ्ट करेगी। कैरेटिन, अच्छी कैरेटिन प्लीज, एक ब्रांडेड कैरेटिन जो है 2 से 3 लेवल इनका नेचुरल पिगमेंट लिफ्ट करेगी, जो कि नियर अबाउट इसके आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस बेस को यहाँ पर लाना नेचुरल कलर से हमारे लिए बहुत आसान होगा। इस बेस को यहाँ पर लाना, ये देखें, ये अगर हम चार्ट से देखते हैं तो इस बेस को यहाँ पर लाना नेचुरली हमारे लिए बहुत ईजी होगा। उसके ऊपर फिर हम ये हाइलाइट कर सकते हैं ब्लीच से, और मेन वाइली जो आप स्प्लिट एंड्स देख रहे हैं ये भी रिकवर हो जाएंगे। तो हम दो हल हैं इसके। नंबर वन, जो कि आपने जैसे कि कहा कि ब्लीच से करते हैं, तो ब्लीच से बहुत इनके बाल डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत खराब हो सकते हैं। तो ब्लीच वॉश किया जाएगा, ब्लीच भी नहीं की जाएगी। ब्लीच वॉश इज अ सेफर वे टू ट्रीट मेटालिक पिगमेंट्स फ्रॉम द हेयर, रिमूव करने का एक अच्छा मेटालिक पिगमेंट को, ब्लीच वॉश इज अ बेटर वे। लेकिन मेरा तरीका ज्यादातर मैं यही करती हूँ अपने क्लाइंट को, मेरे क्लाइंट मेरी बात मानते हैं और हम ये करते हैं सना, हम ये इनके साथ भी करेंगे कि हम 1 से 2 दफा इनके बालों में कैरेटिन दे देंगे, जो नेचुरली इनके बालों को टिल दिस ब्राउन लिफ्ट कर देगी। इस ब्राउन को फिर हम, हमारे लिए यहाँ तक लेके जाना बहुत ईजी होगा, और इसके ऊपर ये बेस करना भी हमारे पास बहुत इजी होगा, ठीक है। फिर हम नेचुरल कलर से, ये लिफ्टिंग कलर से हम ये कर सकते हैं, और उसके ऊपर ब्लीच से हाइलाइट्स भी डाल सकते हैं। तो ये एक सेकेंड वे था। फर्स्ट वे मैंने आपको ब्लीच वॉश का ही बताया था, बट दैट इज अ डेंजरस वे। इनफैक्ट ब्लीच वॉश का तरीका थोड़ा बाल फट सकता है, क्यूटिकल डैमेज हो सकता है, अगर हमारे क्लाइंट टॉलरेट नहीं कर सकता, अगर उसके पास टाइम नहीं है, कंसल्टेशन के लिए नहीं आया। इसीलिए कलर से पहले प्लीज कंसल्टेशन लें अपने हेयर ड्रेसर की, और मैं ये चाहूंगी कि हम अपने क्लाइंट को पहले कैरेटिन पर शिफ्ट करें, वो लिफ्ट करें थोड़ी सी, इनका जो ब्रेकआउट करे, इनके जो जो इन्होंने मेटालिक पिगमेंट बालों में 3 से 4 लेवल का लगाया हुआ है, बार बार उनका ब्रेकआउट करे, और उसके बाद फिर हम इसे नेचुरल कलर में शिफ्ट करें। थैंक यू सो मच।